हेलो दोस्तों, अभी जो आपने प्लेन देखा वो मैंने कैसे बनाया उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने विंग बनाया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस पार्ट में हम फ्यूसलाज और टेल सेक्शन बनाएंगे। फ्यूसलाज बनाने के लिए आपको 40 mm थिकनेस वाली थर्माकोल शीट की ज़रूरत है। उस शीट में से 28 इंच बाय 7.5 इंच का एक रेक्टेंगल काट लीजिए। उसके बाद इसके एक कॉर्नर पर यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच पे मार्किंग करके एक लाइन खींच लीजिए। इतना पोर्शन काट लीजिए और दूसरे कॉर्नर में यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच पे मार्किंग करके एक लाइन खींचिए और इतना पोर्शन काट दीजिए। इसका डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिकल PVC पाइप की ज़रूरत होगी। ये आपको कहीं भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। इसकी लेंथ 48 इंच है। इसके एक छोर में मैंने 7 इंच लेंथ वाली एक इलेक्ट्रिकल पट्टी लगाई है, फ्लैट वाली व्हाइट कलर की। और इसके दूसरे छोर से यहाँ तक 22 इंचेस पे मार्किंग कर लीजिए। अब इस PVC पाइप को हमें नीचे यहाँ पर चिपकाना है फ्यूजलाज में। इसके लिए हम हॉट ग्लू यूज़ करेंगे और जहाँ पर हमने 22 इंचेस की मार्किंग की है वहीं तक हम इसको चिपकाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो पट्टी है ये बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल हो। अब हम टेल सेक्शन बनाएंगे। टेल सेक्शन बनाने के लिए आपको 10 mm थिकनेस वाली थर्माकोल शीट की जरूरत होगी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है। इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ 16 इंचेस है और ऐसा 6.5 इंचेस है। और ये वर्टिकल स्टेबलाइजर है, यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 इंचेस है और ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये 7 इंचेस है। ये इसके ऊपर हम सेंटर में ऐसे लगाएंगे। लेकिन इससे पहले ये एजेस जो है इसे स्मूथ कर लेंगे।
चलो चलो।